हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं इसको कम्प्लीटली पेंटअप करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने इसको किस तरह से पॉलिश किया है, और ये भी मैंने चेंजेस किए थे, वो भी लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिए थे। तो अभी इसकी बारी है कि इसको कम्प्लीटली क्लीन अप किया जाए, ताकि इसमें ये ब्लैक ब्लैक जो लगा हुआ है इसका वो क्लीन हो जाए और पेंट का काम शुरू किया जाए। तो पेंट मैंने डिसाइड किया हुआ है, कंप्लीट फ्रेम रहेगी ब्लैक और रिमूवेबल पार्ट्स रहेंगे ब्लू कलर के। तो आइए चलें, सबसे पहले इसको क्लीन अप करते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो मुझे ये सिल्वर 905 ये पेंट मिला है। मैं असल चाह रहा था क्रोम फिनिशिंग, जैसा आप लोगों को पता हो क्रोम फिनिशिंग पेंट कौन सा रहता है, तो बिल्कुल शाइनिंग पेंट रहता है, ऐसे समझ लें कि आपका मिरर की तरह ही काम करता है। तो वो पेंट मैं चाह रहा था, लेकिन वो पेंट मुझे मिला नहीं यहाँ पर। यहाँ तक मैं गाड़ी वालों के पास गया तो वहाँ पर भी मुझे नहीं मिला, तो मुझे ये मिला। ये ऑलमोस्ट मतलब उस जैसा ही है, उसने मुझे सैंपल वहाँ पर दिखाया था, तो वो सैंपल में ऑलमोस्ट मैच कर रहा था। इतना नहीं बोलता कि मैं वैसे ही सेम मिरर की तरह काम करेगा, लेकिन होगा वैसे ही, मतलब ऑलमोस्ट होगा। तो आइए चले चेक करते हैं इस पेंट को किस तरह का है। ऑलराइट गाइस, इसको पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह का पेंट है, कुछ इस तरह का पेंट है, मतलब शाइनिंग पेंट है। तो ये मैं कुछ पार्ट्स पे मार रहा हूँ बगी के। तो आइए चलिए इसको रेडी करता हूँ और बाम पेंट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम अपना फाइनल पेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग जो हैं वो जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए और टर्न ऑन नोटिफिकेशन भी कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आइए पेंट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सब सामान जो है पड़ा हुआ है यहाँ पर, शीटें भी, इसके नीचे की शीटें भी रखी हुई हैं, और ये फ्रेम इस तरह से स्टैंड पे लगी हुई है पेंट के लिए, तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ था। और कुछ सामान यहाँ पर है, कुछ ये पड़ा हुआ है, ये मैंने कपड़े पे रखा है नीचे ताकि डैमेज ना हो पेंट इसके लिए, और वहाँ पर भी पड़ा हुआ है। ये सिलेंसर है, ये हब स्प्रिंग, सब आप लोग देख रहे हैं कि सब ओपन ही पड़ा हुआ है। ये आर्म्स पड़े हुए हैं, ये सीट की प्लेट पड़ी हुई है, तो ये इंजन पड़ा हुआ है इस तरह से इधर। तो अब बारी होगी इसको फ्रेम से नीचे उतार के रेडी करने के लिए। चलें फिर कल सुबह मिलते हैं, अभी गुड बाय। ऑलराइट गाइस, तो चलें काम शुरू करते हैं। वाओ, मैं तो काम शुरू करने आया था, यहाँ पर तो ऑलरेडी बन के ही खड़ी हुई है बगी पूरी तरह से।
और राइट गाइस, तो आपने देख लिया फाइनली बगी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, पेंट वर्क भी हो गया है। बस कुछ कमी रह गई है, वो है सिर्फ और सिर्फ लाइट्स का। तो हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। और मैंने ये लाइट ली हुई है, ये एलईडी लाइट है, स्ट्रिप लाइट। ये एलईडी स्ट्रिप लाइट है, तो ये मैंने इसके नीचे के लिए सोचा हुआ है, तो नीचे लगाने के लिए यहाँ पर भी और उस साइड पे भी, दोनों साइड्स पे मैंने लगाने के सोचा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किधर मैं लगा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में और कैसे लगाऊंगा ये सब। ये है, ये मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए सोचा हुआ है। और तो और इसका रूफ के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है बनाने के लिए, मतलब कि रूफ नीचे गर्मी ना लगे आदमी को, धूप ना लगे, इसके लिए चलाने में धूप ना है ऊपर से, तो वो ऊपर के लिए मैंने सोचा हुआ है। तो वो फैब्रिक का रहेगा, तो उसके लिए कुछ मुझे इतना मतलब वेल्डिंग वेल्डिंग का कोई काम नहीं है, वेल्डिंग का कुछ भी नहीं करने वाला मैं बेस पे, क्योंकि ये फाइनल पेंट अप हो चुकी है, इस पर नो वेल्डिंग एंड नथिंग। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है एवरीथिंग। तो आपने देखा कि किस तरह से पेंट वर्क है, किस तरह का, मतलब मैं रिम्स को भी सिल्वर करके पेंट किया है, ये डाउन शीट को भी सिल्वर पेंट किया है, एक्सेलेटर ब्रेक पैनल को भी आपने देख लिया होगा कि सामने का सिर्फ और सिर्फ सिल्वर है, बाकी पूरा ब्लैक है। एक्सेलेटर पैनल और स्टेयरिंग को भी, स्टेयरिंग व्हील भी आपने देखा होगा कि पूरा, मतलब मैंने तीन कलर्स मैंने इसमें मतलब यूज़ किए हैं, वो है ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर। तो सिल्वर आपको दिख रहा होगा शीट स्टेयरिंग पे, मैंने वो साइड पे हैंडल, ब्रेक हैंडल पे और शॉक्स पे भी मैंने सिल्वर कुछ किया है। यहाँ पर ये सिल्वर किया है आप, और नीचे बीच में ब्लैक रह गया। यहाँ पर भी इस तरह से नीचे भी सिल्वर किया, ऊपर भी सिल्वर किया, बीच में येलो है, क्योंकि ये स्प्रिंग का कलर था येलो, तो मैंने इसके लिए इसको चेंज नहीं किया। ऑलराइट गाइस, तो बाकी आपको दिख गई है, अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि किस तरह का लगा आपको मेरा ये कलर वर्क, इस पर पेंट जॉब किस तरह का लगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी बग्गी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा या लाइक बटन दबाइएगा। और तो और दोस्तों को भी बताइएगा कि किस तरह से मतलब बग्गी बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना सोच रहा हूँ कि शुरू करने के लिए, वो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।